कुमार धुबी बाजार स्थित पीटीएस दुकानदार सावित्री देवी द्वारा एक माह का अनाज नहीं दिए जाने के विरोध में लाभुकों ने किया हंगामा। कुमार धुबी बाजार स्थित पीटीएस दुकानदार सावित्री देवी द्वारा अगस्त माह का चावल नहीं बांटे जाने से आक्रोशित लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। लाभुकों ने दुकानदार पर आरोप लगाया कि कभी भी समय पर दुकान नहीं खोला जाता है, हर महीने एक माह का चावल का वितरण नहीं किया जाता है। बोलने पर दुकानदार धमकी देते हैं, कहते हैं कि नहीं देंगे, जिसे कहना है जाकर कह दो, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में थक हार कर हम लोग ने मुखिया को शिकायत की है। मौके पर मौजूद मुखिया तनवीर आलम ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि पीडीएस दुकानदार द्वारा अगस्त माह का चावल नहीं दिया गया है। उसी सूचना पर हम यहां पहुंचे हैं, देखा कि दुकान बंद है। उसे फोन कर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु वहां आने से इनकार कर दिया। दर्जनों लाभुकों द्वारा लिखी शिकायत मिली है, इसकी शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से करेंगे ताकि कोई भी गरीब का अनाज पचा नहीं पाएगा। परेशानी आपकी? राशन एक महीना देता, एक महीना नहीं देता, और कुछ परेशानी नहीं। सही समय में दुकान खुलता है? हम लोग फोन करते हैं, फोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग का राशन नहीं गिरा है, मेरा मशीन आकर देख लीजिए। हम लोग को मशीन देखने आता है, ये महीना का हम लोग को घपला कर लिया है पीछे महीना का। क्या इसकी शिकायत आपने कभी किसी अधिकारी को या फिर यहाँ के स्थानीय मुखिया को दी है? पहली बार की, आज मुखिया भैया को पहली बार बोले हैं हम लोग, देखिए भैया हम लोग का दिक्कत ऐसा ऐसा हो रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। जब फोन करते हैं तो फोन उठाते हैं, लेकिन बोलते कि हमको राशन नहीं मिला, हम लोग राशन नहीं उतरा है अभी तक। आपको जो करना है कर लीजिए, जो बोलते हैं हम लोग राशन हम लोग करवा दीजिए। शिव मंदिर के पीछे में बटता है, वहीं हम लोग करवा देंगे। कहा आप आए, घुट जाइए, दूसरा दिन आइएगा, ऐसे ही बोलता है। कितना बजे कितना बजे तक खुला हुआ रहता है? 10 बजे से 12 बजे तक, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे, कभी 200 बजे खुलता है। प्रतिदिन नहीं खुलता है? नहीं, 28 तारीख की कोटा खुलता है, तीन बांटेगा बंद कर दे, 2 दिन के बाद एक कोटा बंद। बोलेगा कि आप नहीं आए, हम क्या करेंगे, मशीन बंद होगी। कहना यह है कि मैं मुखिया प्रत्याशी होने के मुखिया होने की वजह से इन लोगों का शिकायत को सुना, और इससे पहले भी इन लोगों ने शिकायत किया था। बार बार शिकायत होने के बाद आज हमें लोग आए और हम इस गोदाम में आकर देखा, काफ़ी लोगों का भीड़ था, तो लोगों ने हमें बताया कि ये हमेशा मनमानी करता, कोई टाइम टेबल इसका नहीं है, और ये हर महीने में कोई ना कोई दिन महीना गैप कर देता है। जबकि सरकार का मकसद है कि गरीब कभी भूखा नहीं रहे। हमारा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मकसद है कि गरीब भूखा नहीं रहे, और इसका गरीब का जो निवाला है ये लोग ढेकार जाते हैं राशन वाले। आप उसको इन लोगों को देख सकते हैं, लोग से पूछ भी सकते हैं, आज के आज नहीं, इन लोग साथ में हमेशा जो है ऐसे ही किया जा रहा है। इन लोग तंग आकर मैंने मुखिया को आज शिकायत किया है, और लिखित भी दे रहे हैं कि हम लोग साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार भी किया जाता है, माल भी नहीं देता है, और बल्कि हम लोग पे रवा भी झाड़ता है और कहता है कि आप कहीं भी चले जाइए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फ़ोन के माध्यम से भी यहाँ पर शिकायत आता है, आके लोग मिलते भी हैं, और आज तो हद ही हो गया, यहाँ तक के लोग हम पे लेटर भी लिख के दे रहे हैं कि मेरा इतना इतना कार्डधारी में अगस्त का महीना का था पूरा राशन नहीं मिला।